तो मिश्रा ने उज्जैन में राजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी साथ रहे। गृह मंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल की महिमा अपरंपार है। यहाँ प्रतिष्ठित दक्षिणमुखी शिवलिंग स्वयंभू और बहुत जागृत है, जिनके दर्शन मात्र से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन व दवाएं हैं, अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर हैं और प्रदेश में लगभग सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है। कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ मत्था देखने आया था बाबा का, मंगलनाथ भगवान का, शनिदेव का। आज बाबा से अनुमति ली, आज वृश्चिक में भगवान मंगलनाथ आ रहा है, आज शनि अमावस्या है। ये दहशत की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, सरकार की तैयारियां पूरी है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए, एक दो है वो एक्टिवेट है, प्रोसेस में है। पर्याप्त रेमडेसिविर है, पर्याप्त आईसीयू है, पर्याप्त बेड है, कोई कमी नहीं की। अगली खबर को रुक करेंगे। गुना राजा के गढ़ में महाराजा ने हुंकार